नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करेंगे करंट अफेयर क्विज 2 जुलाई का। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। चलिए, और यदि आप भी ये क्विज खुद भी करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, खुद भी दीजिए। ठीक है, और अपने स्कोर चेक कीजिए और स्कोर अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 1 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट का बताना है। ए स्टेटमेंट कहता है इट एम्स टू कनेक्ट ऑल द ग्राम पंचायत ऑफ द कंट्री थ्रू ऑप्टिक फाइबर फॉर प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड सर्विसेज। ठीक है, बी कहता है वियबिलिटी कैप फंडिंग इज अ ग्रांट टू सपोर्ट प्रोजेक्ट डेट आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट नॉट फाइनेंशियली वेबल। ठीक है, सी कहता है इट इज़ अ फ्लैगशिप मिशन इंप्लीमेंटेड बाय भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ठीक है, करेक्ट आंसर बताना, एक बार हिंदी में अच्छे समझ आएगा। भारत नेट प्रोजेक्ट के संबंध में कथन पर विचार करें। ये कहता है इसका उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑप्टिक फाइबर के माध्यम से जोड़ना है। सेकेंड, वायबिलिटी गैप फंडिंग उन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए एक अनुदान है जो आर्थिक रूप से उचित है लेकिन आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। तीसरा कहता है यह भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख मिशन है। करेक्ट आंसर बताना हमें। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर सी है दोस्तों, सारे स्टेटमेंट ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा ब्रॉडबैंड नेटवर्क के बारे में बता दूँ। ठीक है, जो भारत नेट प्रोजेक्ट है यह एक फ्लैगशिप मिशन है। ठीक है ना, फ्लैगशिप मिशन है। इसको इंप्लीमेंट किसने किया था? इसको इंप्लीमेंट किया गया था BBNL द्वारा। ठीक है, BBNL द्वारा, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा। ठीक है, और इसे हम स्पेशल पर्पस व्हीकल भी कहते हैं। ठीक है, जिसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि कंपनी एक्ट 1956 में मेंशन है, इसके अंडर आता है। ठीक है, और अभी जो आपका ब्रॉडबैंड मिशन है ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है? इम्प्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा, जो कि किसके अंडर आती है? ये अंडर आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक आता है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था आपका अक्टूबर 2011 में। ठीक है, और यही जो है 2015 में क्या बन जाता है? भारत नेटवर्क प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं संचार मंत्रालय, इसने शुरू किया था आपका नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। ठीक है, इसका काम क्या था? नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का काम पूरे देश में, विशेष रूप से जो आपके ग्रामीण एरिया होते हैं, ठीक है, ग्रामीण एरिया में या बिल्कुल रिमोट एरिया जो हो गया आपका, वहाँ पे ब्रॉडबैंड की सेवा प्रदान की जाए। ठीक है, इसका एम क्या था? ब्रॉडबैंड का एम क्या है? इसका एम है आपका जो गांव देहात है ना, वहाँ पे ई गवर्नेंस का प्रचार प्रसार हो, लोग कनेक्ट हो इलेक्ट्रॉनिक से, सॉरी, लोग कनेक्ट हो ई गवर्नेंस से, ई एजुकेशन से, है ना, मीन्स कहा जाए कि लोगों की इंटरनेट से कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि वो अपने काम को कर सके।
और जो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये वाला, ये सेंटर और स्टेट के साथ मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्म्स फोर्स स्पेशल एक्ट, स्पेशल पावर एक्ट, आफ्सा के बारे में देखेंगे, ठीक है। ओनली द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कैन इन्फोर्स दिस एक्ट वेयर इट इज नेसेसरी, ठीक है। बी कहता है, अरुणाचल प्रदेश फॉलिंग विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ आफ्सा, ठीक है। तीसरा कहता है, एज पर एक्ट सिक्योरिटी फोर्स कैन कंडक्ट ऑपरेशन एनी वेयर एंड अरेस्ट एनी वेयर विदाउट एनी प्रायर वारंट, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, हिंदी में अच्छा समझ आएगा। सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, केवल गृह मंत्रालय ही इस अधिनियम को लागू कर सकता है जहाँ यह आवश्यक है। सेकंड, अरुणाचल प्रदेश सशस्त्र बल अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में आता है। तीसरा, अधिनियम के अनुसार या जिस राज्य में अधिनियम लागू हो, सुरक्षा बल कहीं भी अभियान चला सकते हैं और बिना किसी को पूर्व वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। सही कथन बताना हमें। चलिए देखते हैं, आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर है डी, दो या तीन, ठीक है। पहला क्यों गलत है? पहला इसलिए गलत है कि ये कह रहा है सिर्फ होम अफेयर कर सकता है। नहीं, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है जिसमें सेंटर ने स्टेट को भी दे रखा है कि वो भी कर सकते हैं अपने कुछ क्षेत्र में, ठीक है। ये देखिए क्या कहता है, आमतौर पर गृह मंत्रालय जहाँ आवश्यक हो वहाँ अधिनियम को लागू करेगा, लेकिन ऐसे अपवाद भी है जहाँ केंद्र राज्य सरकारों को भी को निर्णय लेने के लिए बोल सकता है, ठीक है। चलो एक बार मैं आफ्सा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखो, आफ्सा बिल को पास किया गया था पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा, ठीक है। और बाद में इसको प्रेसिडेंट द्वारा अप्रूवल मिल गया था। कब मिला था? 11 सितंबर को मिला था 1958 में, ठीक है। तो इसी के बाद इसको क्या करने जाने लगा, इसको कहा जाने लगा आफ्सा 1958, ठीक है। अच्छा, इसको लागू करने का क्या कारण था? कारण ये था कि दशकों पहले क्या हो रहा था कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे हिंसक गतिविधियाँ होने शुरू हो गई थी, ठीक है। वायलेंस स्टार्ट हो गया था, उस वायलेंस को नियंत्रण करने के लिए ये एक्ट आया था, ठीक है। और इसी आफ्सा के अंदर आर्म्स फोर्स को ये पावर है कि वो जो डिस्टर्ब एरिया है वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक्शन ले सकती है, ठीक है। आर्म्स फोर्स के पास अथॉरिटी है कि वो जहाँ डिस्टर्ब एरिया है, जहाँ वो डिस्टर्ब वायलेंस क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे पाँच से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। आर्म्स फोर्स के पास फोर्स का यूज़ करना और ओपन फायर करने का अधिकार भी है, ठीक है। ओपन फायर भी कर सकती है लेकिन वार्निंग देने के बाद, ठीक है। यदि आर्म्स फोर्स को लगता है कि जो पर्सन है, अगर उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है और उन्हें संदेह भी है, उसे डाउट उन लोगों पर, तो आर्म्स फोर्स बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। उसकी जांच कर सकता है, ये भी अधिकार है उसके पास। अच्छा, बहुत बार डिस्टर्ब एरिया आ रहा है ना, डिस्टर्ब एरिया है ना वो आफ्सा एक्ट के सेक्शन 3 में मेंशन है, ठीक है, धारा 3 में मेंशन है। अच्छा, ये डिस्टर्ब एरिया कैसे होते हैं? डिस्टर्ब एरिया पता ही होगा आपको, क्या या तो आपके रिलीजियसली कॉन्फ्लिक्ट हो गया उस एरिया में, है ना, भाषा को लेके, लैंग्वेज को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लोगों ने विद्रोह कर दिया, या जाति समुदाय के बीच में हो गया कुछ, है ना, तो उस एरिया में डिस्टर्ब एरिया हो जाता है। अच्छा, डिस्टर्ब एरिया कौन घोषित करता है? डिस्टर्ब एरिया आपका केंद्र सरकार भी घोषित कर सकती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है,
गवर्नर भी कर सकता है, ठीक है, या जो भी यूनियन टेरिटरी में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो कर सकता है, ठीक है ना, डिस्टर्ब एरिया, ठीक है। जो होम मिनिस्ट्री होती है आमतौर पर वही लागू करती है आपसा, ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को भी ताकत दे रखी है कि वो भी लागू कर सकते, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन था उसमें। अच्छा, कौन कौन से स्टेट आते हैं इसके अंदर? तो आपका आता है नागालैंड, ठीक है, आसाम, मणिपुर, और मणिपुर में भी कुछ विधानसभा छोड़ दिए तो पूरा मणिपुर नहीं है, ठीक है, और वैसे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ ही जगह पे है, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, आपको आपसे समझ आ गया होगा, थोड़ा बहुत आगे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए, गंगा रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया एंड राजस्थान इज वन ऑफ द स्टेट्स विच ऑल्सो कम्स अंडर गंगा रिवर बेसिन, ठीक है। बी, कलवेलिया डांस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फोक डांस ऑफ राजस्थान, इट इज परफॉर्म्ड बाय ओनली वुमेन, ठीक है। सी, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल इट्स एम टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। डी, स्पाइनर डॉल्फिन इज अ इंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ IUCN, ठीक है। हिंदी में इतना अच्छा समझ आएगा, करेक्ट आंसर बताना हमें। गंगा नदी बेसिन भारत में जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा नदी बेसिन है और राजस्थान उन राज्यों में से एक है जो गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। सेकेंड, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तीसरा, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल, इसका उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। चौथा, स्पिनर डॉल्फिन IUCN की लुप्त प्राय सूची में है, ठीक है, करेक्ट आंसर बताना हमें। चलिए आंसर देखते हैं। सी, एक, तीन, चार, ठीक है। एक, तीन, चार, ठीक है। तो कलवेलिया डांस क्या कहता है, कलवेलिया डांस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फोक डांस ऑफ राजस्थान, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इट इज परफॉर्म बाय ओनली वुमेन, नहीं, वुमेन के द्वारा भी किया जाता है, मैन के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, गंगा बेसिन में 11 स्टेट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली, ठीक है। ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया, ठीक है। 26% कंट्री का लैंड मास कवर करता है और 43% जो पॉपुलेशन है भारत की वो यहीं पे उनको सपोर्ट करता है, मतलब है ना, ठीक है। कलवेलिया डांस के बारे में देख लेते हैं, ये फोक डांस है कहाँ का, राजस्थान का, मैन और वुमेन द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये इंक्लूडेड है यूनेस्को लिस्ट के इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में, ठीक है। स्पाइनर डॉल्फिन ये IUCN की इंडेंजर में, एक बात बता दूँ, यदि आप करंट अफेयर को, ये जो क्वेश्चन है इसका, इनके टॉपिक जो मेन मेन टॉपिक है उनको डिस्क्राइब में जानना चाहते हैं, ठीक है, करंट अफेयर, तो IAS कॉरिडोर को फॉलो कीजिए, ठीक है, वो रोज़ अपडेट करते हैं, तो उनकी वीडियो देखिए 2 तारीख वाली, आपको ये सारा करंट अफेयर वहाँ पे मिल जाएगा आपको। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 स्कड्यूल 1 में, और ये सिटीज अपेंडिक्स 1 में भी है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 4 देखते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ए, द 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 पेव द वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टैक्स रिजीम इन द कंट्री। बी कहता था, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वर्क एज द चेयरपर्सन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, एवरी डिसीजन ऑफ द काउंसिल इज टू बी टेकन बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स ऑफ द टोटल मेंबर। करेक्ट आंसर बताना है, एक बार हिंदी में इतना अच्छे से समझ आएगा। वस्तु या सेवा कर के संबंध में कथन पर विचार करें। पहला कहता है, 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम ने
देश में एक नई कर व्यवस्था की शुरुआत का मार्ग प्रस्त किया। बी केंद्रीय वित्त मंत्री माल और सेवा कर परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। थ्री परिषद का प्रत्येक निर्णय कुल सदस्यों में भारित मतों के कम 3/4 बहुमत से लिया जाता है। करेक्ट आंसर बताना है हमें इसे। चलिए आंसर देखते हैं। सी 1 और 2 ठीक है। ठीक है, एवरी डिसीजन ऑफ द काउंसिल इज टेकन बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेट। ठीक है, वोट्स ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एट द मीटिंग। ठीक है, ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं था। प्रेजेंट भी होना चाहिए, वोट भी करना चाहिए। ठीक है, जीएसटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आर्टिकल हमारा 279A है, ठीक है, इसके अंदर आपका जीएसटी है। ठीक है, और इसी को कंट्रोल करने के लिए जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। किसके द्वारा? जीएसटी काउंसिल का गठन किया जाता था। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और इसी जीएसटी काउंसिल के जो होते हैं, काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, और इसी काउंसिल में जो आपके जो राज्य सरकार होते हैं ना, उनके द्वारा चुने गए मंत्री भी शामिल होते हैं। ठीक है, ठीक है, जीएसटी काउंसिल को इस तरह से तैयार किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 की वोटिंग पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास 2/3 की वोटिंग पावर है। ठीक है, और इसमें निर्णय कैसे लिया जाता है, डिसीजन कैसे आता है, जिसके 3/4 का बहुमत लिया गया आएगा उसको, उसका फैसला मतलब लिया जाएगा। ठीक है, जो काउंसिल का सेक्रेटरीट है ना, सेक्रेटरीट ऑफ काउंसिल, ठीक है, जो काउंसिल का, जीएसटी काउंसिल का जो सेक्रेटरीट है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, मतलब सचिवालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। जो हमारे यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं ना, वो एक्ट करते हैं एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी। ठीक है, काउंसिल के एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, तो हमें पता ही है। ठीक है, सॉरी, चेयरपर्सन होते हैं काउंसिल के। ठीक है, और जो राज्य क्या करती है, जो वाइस प्रेसिडेंट अगर चुनना होता है, ठीक है, उसके लिए राज्य क्या करती है, स्टेट, जो काउंसिल के ऑलरेडी मेंबर होते हैं उन्हीं को, उन्हीं में से आपस में चुना जाता है ताकि वो वाइस प्रेसिडेंट का रोल अदा करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20। ये कल न्यूज में भी आया था, सॉरी आज न्यूज में भी आया था, और फिर आपका ये प्रीलिम्स 2020 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि G20 के मेंबर कौन कौन से हैं इनमें से। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। ए, ठीक है, ये मेंबर है। अच्छा, देख लेते हैं कौन है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है दोस्तों, यदि ये टेस्ट आप खुद भी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ टेस्ट दीजिए, अपना स्कोर पता कीजिए। देखिए, MCQ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कहीं से भी कीजिए, वो आपको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे आपको पता चलता है, और डेली कीजिए, हम डेली अपलोड करते हैं। धन्यवाद।